बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 7 सेकेंडरी मैथमेटिक्स लेक्चर 2। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया आपके पास, इफ ए ओ इज द ओरिजिन, यहां पे लिखेंगे गिवन ओ ओरिजिन आपके पास है, ए लिखा हुआ यहां पे, ए पॉइंट इज गिवन -3 and 7, बी इज गिवन 1 0, लेट पी एक्स वाई। क्वेश्चन में इफ ओ इज द ओरिजिन एंड ओ पी इज इक्वल टू ए बी, ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर एंड वी हैव टू फाइंड पॉइंट पी। अब ओ पी वेक्टर क्या है यहां पे, ये पोजीशन वेक्टर, यहां पे ओ पी, पी का पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे। सिमिलरली यहाँ ए का पोजिशन वेक्टर ओ ए बनाएंगे -3i+7j। फिर ये जो पॉइंट बी आपके पास लिखा हुआ है इसका पोजिशन वेक्टर लिखेंगे, वो बनेगा यहाँ ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू i+0j। अब गिवन क्या है, ओ पी इज इक्वल टू ए बी, तो ओ पी वेक्टर बन जाएगा, ए बी क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू i+0j माइनस ओ ए वेक्टर है -3i+7j। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे i+0j -3i-7j, एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू 4i-7j। यहां आप कंपेयर कर लें कोफिशिएंट्स i और j के, कंपेयरिंग कोफिशियंट्स ऑफ आई एंड जे, आई का कोफिशियंट यहां पे एक्स, इधर आई के साथ 4, तो एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू -7, देयरफॉर पी एक्स वाई इज इक्वल टू 4 and -7। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 9 के, आप खुद ट्राई करें इसको। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या लिखा है बुक में। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, यूज वेक्टर्स टू शो दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम व्हेन ए बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली। तो बेटा गिवन क्या है, गिवन दैट ए ओ 0 0, B A 0, C D C and D आपके पास B माइनस A एंड C। और प्रूव क्या करना है कि ये जो A B C D हमारे पास है वो क्या एक पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम इस तरह बन सकती है, दिस इज A B C D, इसमें डायरेक्शन जो वेक्टर ए बी की डायरेक्शन है वो यहां पे वेक्टर डी सी की डायरेक्शन, जो ए डी की डायरेक्शन वो यहां बी सी की डायरेक्शन। अब पहले क्या करेंगे, ए बी वेक्टर फाइंड कर लेंगे, इस मेथड से फाइंड कर लेते हैं इसको, डायरेक्ट मेथड से। ए बी वेक्टर क्या होगा, बी माइनस ए, बी पॉइंट क्या हमारे पास ए माइनस जीरो कॉमा सेकेंड पॉइंट क्या है जीरो माइनस जीरो, तो ये ए बी वेक्टर आ जाएगा यहां पे ए एंड जीरो। फिर ए बी के सामने आपके पास क्या है, डी सी, डी सी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो डी सी क्या होगा आपके पास, सी माइनस की, दूसरे मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर्स फाइंड करके। ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, और डी सी क्या होता है, ओ सी माइनस ओ डी। यहां डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसको, डी सी हमारे पास क्या है, सी माइनस डी सी, तो पहला पॉइंट बी माइनस ए और सी माइनस सी विच इज इक्वल टू बी माइनस बी प्लस ए एंड सी माइनस सी जीरो, यहां पे ये कट गया।
बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए एंड जीरो. दिस इंप्लाइज दैट, ये देखिए ए बी वेक्टर भी वही है और डी सी वेक्टर की वैल्यू भी वही है आपके पास. तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी जो वेक्टर है वो डी सी वेक्टर के इक्वल आपके पास आ गए, यानी ये दोनों वेक्टर इक्वल आ गए. अब क्या करेंगे हम लोग, ए डी और बी सी को इक्वल प्रूव कर लेंगे. नाउ ए डी वेक्टर फाइंड करेंगे, डी माइनस ए कर लें, बी माइनस ए माइनस जीरो एंड सी माइनस जीरो विच इज इक्वल टू बी माइनस ए एंड सी ऑल्सो वेक्टर. अब ए डी के पैरेलल क्या है, बी सी वेक्टर फाइंड करेंगे, बी सी वेक्टर क्या होगा, सी माइनस बी, बी माइनस ए एंड सी माइनस जीरो विच इज इक्वल टू. अब यहां पे भी आपको नजर आ रहे हैं कि बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर यहां दोनों इक्वल आ गए, विच इज इक्वल टू बी सी. अब क्या हुआ यहां पे, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर और ए डी वेक्टर जो है वो बी सी वेक्टर के इक्वल है, लिहाजा क्या होगा जी, सिंस या एज ए डी वेक्टर इज इक्वल टू आया था डी सी एंड और ए डी वेक्टर जो इक्वल आ गया हमारे पास बी सी के इक्वल, तो इसका मतलब क्या होगा जी, ए बी सी डी इज आ पैरेलल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले हम रेशियो फॉर्मूला पढ़ेंगे जी. रेशियो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, रेशियो फॉर्मूला है कि लेट ए एंड स्टेटमेंट्स लिखेंगे बी ए एंड बी बी द टू पॉइंट्स हूज पोजिशन वेक्टर्स आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. If a point P divides AB in the ratio P ratio Q, then the position vector of P is given by, then the position vector of P is given by vector R is equal to Q vector A plus P vector B over P plus Q. यहां आर क्या है, पोजीशन वेक्टर पॉइंट बी का. यानी सपोज करें आपके पास यहां पे ये ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ये पोजीशन वेक्टर हमारे पास बी पॉइंट का, इसको बी नाम दे दें, ये ए पॉइंट है तो इसके पोजीशन वेक्टर हमारे पास ए और ये ओरिजिन आ गया. क्या लिखा है यहां पे, इफ अ पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो पी रेशियो क्यू. अब फर्ज करें यहां पे ये पॉइंट पी, यहां पे ये डिवाइड कर रहा है ए बी को पी रेशियो क्यू में, तो ए बी में क्या आएगा, पी रेशियो क्यू. यहां ये रेशियो बनेगी, यहां लेंथ बनेगी पी और यहां से यहां तक लेंथ है हमारे पास क्यू. तो फिर क्या होगा, ये जो P पॉइंट हमारे पास इसका जो पोजीशन वेक्टर है R, उसकी वैल्यू क्या बनेगी, वो आएगा Q, यानी ये Q इनटू वेक्टर A प्लस P इनटू वेक्टर B और P प्लस Q. ये फॉर्मूला हमारे पास क्या कहलाता है जी, ये रेशियो फॉर्मूला यहां पे कहलाता है.
इस रेशियो फॉर्मूला को हमने यूज करना है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 1 देखिए आपके पास क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 1 फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशियो। क्वेश्चन नंबर 12 में टू पार्ट्स हैं, एक पार्ट हम यहां पे ट्राई करेंगे, दूसरा आप खुद सॉल्व करेंगे। गिवन पोजिशन वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल टू स्कूल वेक्टर सी क्या लेंगे, ये 2i-3j एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ डी, फिर डी वेक्टर नाम दे देते हैं 3i+2j। लेट आर बी दी पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विच डिवाइड्स सी डी इन दी रेशियो 4:3। Suppose P is equal to 4 and Q is equal to 3. Then using ratio formula. अब ratio formula यहां पर क्या बनेगा, हमने पोजीशन वेक्टर आर फाइंड करना है जबकि सी और डी गिवन हमारे पास, तो ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू क्यू इनटू फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर क्या हमारे पास सी प्लस पी इनटू सेकंड वेक्टर डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। यहां वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर आर फाइंड हो जाएगी। क्यू लिखा हुआ 3 into C 2i-3j plus P आपके पास वैल्यू क्या P की 4 और 3i+2j डिवाइडेड बाय P प्लस Q 6i-9j plus 12i+8j डिवाइडेड बाय 7। तो यहां पे आपके पास पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू 1/7, पहले लिख दें 6i या इस तरह लिख लेते हैं इसको 6i+12y 18i-9j plus 8j -j/7 व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन नंबर 12 में सेकंड पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जो बुक की नंबरिंग है यहाँ पे वो 13 मिसिंग है यहाँ पे, अभी 14 क्वेश्चन जो बुक में लिखा है वो सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास लिखा है जी, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है जी, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स। अगर आपके पास यहां पे ये ट्राइंगल है, इसमें एक ये मिड पॉइंट इसका है, ये मिड पॉइंट इसका, ये ट्राइंगल मिड पॉइंट इस साइड का, यहां पे इस साइड का, ये फर्ज करें इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ए का जो पोजीशन वेक्टर है इसको हमने नाम दे दिया ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी और सी का पोजीशन वेक्टर को नाम दे दिया सी। लेट ए बी का जो मिड पॉइंट है उसको नाम दे दें एम और ए सी का जो मिड पॉइंट है उसको नाम दे देते हैं यहां पे हम लोग एन। और ये जो लाइन सेगमेंट एम एन को मिला रहा है, प्रूव ये करना है कि हमारे पास ये एम एन जो है वो इसके पैरेलल है, और फिर ये एम एन क्या है यहां पे इस बी सी का हाफ,
तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिखे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 14, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, ए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज सी। लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर पोजिशन वेक्टर ऑफ एम इज इक्वल टू। तो चूंकि एम यहां पे मिड पॉइंट है तो यहां पे दोनों को ऐड करके टू पे हम डिवाइड कर देंगे, एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ लेट एन बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देयरफॉर पोजिशन वेक्टर ऑफ एन इज ए प्लस सी बाय टू। ना बी सी वेक्टर अगर हम फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, यहां पे बी सी वेक्टर इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, विच इज इक्वल टू सी माइनस बी, विच नेम इज एट इक्वेशन वन। फिर ये बी सी फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे यहां पे एम एन। तो एम एन वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या होगा जी, एम एन वेक्टर इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ एन माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ एम। एन पोजिशन वेक्टर क्या फाइंड किया हमने, ए प्लस सी बाई टू माइनस एम वेक्टर फाइंड किया हमने यहां पे, वो क्या ए प्लस बी बाई टू, एलसीएम लिखेंगे साथ इसका क्या होगा, एम एन वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी ओवर टू। जहां पर कट गया जी, एन एन वन बाई टू इंटू वैक्टर सी माइनस वैक्टर बी, ये आपके पास आएगा जी। यूजिंग इक्वेशन नंबर वन, वन ओवर टू सी माइनस बी वैक्टर, इक्वेशन नंबर वन में देखें वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल, बी सी लिख दिया। अब इक्वेशन नंबर टू कह दिया हमने इसको जी, अब प्रूव ये करना था कि एम एन हमारे पास क्या है यहां पे, ये बी सी के पैरेलल। तो पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन, अगर कोई वेक्टर ए आ जाए वेक्टर के इनटू वेक्टर बी के इक्वल, के क्या है यहां पे कोई कांस्टेंट नंबर होगा, तो यहां पे हम क्या कहते हैं वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स। अभी पे नंबर टू में देखें हमारे पास क्या, एम एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू वैक्टर बी सी, तो इसका मतलब क्या होगा जी, विच शोज दैट एम एन वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी। ऑल्सो इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू दैट एम एन इज हाफ ऑफ द बी सी हैज प्रूव्ड। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। गिवन दैट सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 में प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of the sides of quadrilateral taken in order form of parallelogram। पहले क्या करेंगे, हमने यहां पे एक quadrilateral any four sided closed figure is called quadrilateral। ये quadrilateral हमारे पास क्वेश्चन में यह है कि प्रूव दैट द मिड पॉइंट, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। यहां ये सपोज करें इसका मिड पॉइंट है,
यहाँ ये मिड पॉइंट है, यहाँ इसका मिड पॉइंट और ये इसका मिड पॉइंट। क्वेश्चन ये लिखा है कि जो लाइन यहाँ पे ज्वाइन करती है वो हमारे पास न्यू डायग्राम बन गई, यहाँ पे ये क्या है एक पैरेललोग्राम या प्रूव करना चाहिए। अब फर्ज करें आपके पास ये ए बी सी डी, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, इसको ए कह लिया, बी पोजीशन वेक्टर बी कह लिया, इसको सी कह लें, इसको नाम दे दें बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल टू सी, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इज इक्वल टू डी। और ये जो मिड पॉइंट है इनको नाम दे देते हैं पी क्यू आर और एस। लेट लेट पी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी बाय टू आर। फिर लेट क्यू बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू आपके पास क्या बनेगा यहां पे बी प्लस सी बाय टू। सिमिलरली आर और एस को भी लिख लें यहां पे, लेट आर बी द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, पोजिशन वेक्टर ऑफ आर इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय टू। एंड लास्ट क्या है, लेट एस बी दी मिड पॉइंट ऑफ ए डी, देयरफॉर पोजिशन वेक्टर ऑफ एस इज इक्वल टू ए प्लस डी बाय। क्वेश्चन में क्या है ए बी सी डी यहां एक क्वाड्रिलेटरल है और ये जो मिड पॉइंट हमारे पास है पी क्यू आर और एस, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा यहां पे ये प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। अब हमने क्या लिखा, हमने कहा जी ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए, बी पोजीशन वेक्टर बी, सी का पोजीशन वेक्टर सी, और डी का पोजीशन वेक्टर यहां पे डी नाम दे दिया इसको। फिर हमने कहा लेट पी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पी क्या होगा ए प्लस बी बाय टू। सिमिलरली क्यू आर और एस के पोजीशन वेक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। अब चूंकि हम इसको प्रूव करना चाहते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, तो ये जो पी क्यू वेक्टर यहां पे ये एस आर के इक्वल होगा, और ये पी एस जो डायरेक्शन यहां पे होगी इसकी डायरेक्शन आपने वही रखनी है कि पी एस डायरेक्शन जो हमारे पास वेक्टर है पी एस, ये क्यू आर वेक्टर के इक्वल होगा। आप ये डायरेक्शन इस तरह भी लिख सकते हैं कि एस पी वेक्टर आर क्यू के इक्वल और आर एस वेक्टर जो है वो क्यू बी के इक्वल। पहले क्या करेंगे पी क्यू वेक्टर फाइंड करते हैं। अब पी क्यू वेक्टर कैसे फाइंड होगा, आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विच इज इक्वल टू, अब क्यू पोजीशन वेक्टर में क्या है बी प्लस सी बाय टू, माइनस पी क्या है यहां पे ए प्लस बी बाय टू। सॉल्व करेंगे एलसीएम 2 आ जाएगा, बी कट गया, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 सी माइनस ए व्हिच इज इक्वेशन नंबर 1। फिर पी क्यू वेक्टर के बाद हमारे पास एस आर वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ये पी क्यू फाइंड किया है, अब इसके सामने एस आर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एस विच इज इक्वल टू, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्या था सी प्लस डी बाय टू, माइनस एस का ए प्लस डी बाय टू, ये आपके पास है। इसका भी एलसीएम लिखें तो सी प्लस डी माइनस ए माइनस डी, यहां डी कट गया
एस आर इज इक्वल टू वन ओवर टू सी माइनस ए विच इज इक्वल नंबर टू. अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू इट इज क्लियर दैट ये जो पी क्यू वेक्टर हमारे पास आया ये किसके इक्वल आ गए, ये एस आर के इक्वल आ गए. पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू एस आर वेक्टर. अब क्या फाइंड करेंगे, पी एस और क्यू आर फाइंड करेंगे. पी एस वेक्टर इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी. अब एस क्यू में मिड पॉइंट किसका है यहां पे ए डी का, तो इसका पोजिशन वेक्टर फाइंड कर चुके हैं ए प्लस डी बाय टू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी. पी क्योंकि मिड पॉइंट ए बी का तो ये पोजिशन वेक्टर में क्या था ए प्लस बी बाय टू. टू एलसीएम लिखेंगे ए प्लस डी माइनस ए माइनस बी. ए कट गया, पी एस इज इक्वल टू वन ओवर टू डी माइनस बी. इक्वेशन नंबर थ्री नाम दे दिया इसको मैं. इसी तरह यहां देखें पी एस के पैरेलल यहां पे क्या है ये क्यू आर, इसको फाइंड करते हैं. क्यू आर वेक्टर क्या होगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू. पोजिशन वेक्टर ऑफ आर, आर चूंकि मिड पॉइंट है यहां पे सी और डी का, तो पोजिशन वेक्टर क्या था इसका सी प्लस डी बाय टू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू. क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, तो इसका पोजिशन वेक्टर फाइंड कर चुके हैं हम लोग. टू एलसीएम लिखेंगे सी प्लस डी माइनस बी माइनस सी, तो यहां सी सी कट गया जी. यहां से क्या आ जाएगा जी, क्यू आर इज इक्वल टू वन ओवर टू बी माइनस बी. फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर इट इज क्लियर दैट ये देखिए यहां पे थ्री में कोई आंसर है फोर में कोई आंसर है, तो पी एस जो वेक्टर हमारे पास आया था वो क्या था, क्यू आर वेक्टर. अब क्या हुआ यहां पे एस हम प्रूव कर चुके हैं कि पी क्यू वेक्टर जो है वो एस आर के इक्वल है एंड पी एस वेक्टर जो है वो क्यू आर के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, दिस इंप्लाइज या देयरफॉर पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस इज आर पैरेललोग्राम एंड दैट्स हेंस द प्रूफ. ये क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का ये कंप्लीट हो गया जी. इसके साथ हमारी आज 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. थैंक यू.